नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजधानी ईटानगर क्षेत्र में लॉकडाउन शुरू। जिला प्रशासन ने राजधानी वासियों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। भारत और चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक में तय शर्तों के तहत चीनी सेना का गलवान घाटी में पीछे हटना शुरू। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल सीमा मुद्दे पर हुई चर्चा में आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर बनी थी सहमत। सावन का पहला सोमवार आज। कोविड-19 के दिशा निर्देशों को मानते हुए मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। ईस्ट सियांग जिले के प्रसिद्ध अंगड़िया बाबा मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने की पूजा। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आज शाम 5 बजे से एक सप्ताह तक चलने वाला लॉकडाउन लागू हो गया है। 13 जनवरी सुबह 5 बजे तक लागू इस लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर सरकारी कार्यालय, निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों में स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे नागरिक आपूर्ति, पानी और बिजली सहित आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभाग और कर्मी कार्य करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राजधानी क्षेत्र ईटानगर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो जाने पर राज्य सरकार ने भी चिंता प्रकट की थी और उसी के मद्देनजर मन के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया था। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने पिछले दिनों इस आशय की जानकारी देते हुए कहा था कि पिछले 3 महीनों से फील्ड में काम कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों का इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण और उनकी जरूरी जांच कर ली जाएगी। ईटानगर जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान यातायात और लोगों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को आवागमन की छूट नहीं होगी। हालांकि बैंक वो ATM खुले रहेंगे और घरों में LPG सिलेंडर आदि की आपूर्ति जारी रहेगी। जिला उपायुक्त ने लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण से सक्रिय मामलों की संख्या 190 हो गई है। हालांकि 78 व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दूसरे राज्य से आने वाले सभी लोगों की जाँच की गई है और राज्य के अब तक के सभी कोरोना संक्रमण के मामले संस्थागत केंद्रों से ही आए हैं। देश भर में अब तक 4,24,433 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से 15,350 लोग ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 60.85% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 24,248 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 6,97,413 हो गई है और एक दिन में 425 मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,693 हो गई है। 2,53,287 लोगों का इलाज चल रहा है। चीन और भारत के कोर कमांडरों की बैठक में हुई सहमति के अनुसार गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हटने लगी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि चीनी सेनाओं को पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 10 और अन्य ढांचों को हटाते हुए देखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि चीनी सेना के वाहनों की वापसी जनरल एरिया गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में देखी गई। यह गतिविधियां 30 जून को चुशुल में कोर कमांडरों के बीच हुई सहमति के अनुसार है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चीनी सेना के हटने का कार्य जारी है और उन्हें यह देखने के लिए अभी इंतजार करना होगा कि चीन के सैनिक कितनी दूरी तक वापस गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल सीमा मुद्दे पर हुई चर्चा में आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमति बनी थी। दोनों विशेष प्रतिनिधि सहमत हुए कि दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारियों को विचार विमर्श जारी रखना चाहिए।
एक तरफ जहां सरकार और स्थानीय प्रशासन कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अपना काम जल्दी कराने के चक्कर में अपने परिवार और अन्य लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण आज ईटानगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के काउंटर पर देखने को मिली, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए जमा थे। ज़्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए धक्का मुक्की करते हुए देखे गए। पिछले 4 जुलाई को कोविड ड्यूटी पर तैनात एक एम्बुलेंस के नमसाई जिले के तेंगापानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एम्बुलेंस चालक की मृत्यु पर अनेक जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने गहरा दुख प्रकट करते हुए सरकार से कोविड वॉरियर को दी जाने वाली सहायता देने का आग्रह किया है। वहीं दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति सोनू कुमार का डिब्रूगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल स्वास्थ्यकर्मी की मदद के लिए लोहित जिले के कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर शिविर लगाया, जहाँ लोगों ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उठा रहा है हमारा जो कोविड-19 वॉरियर श्री सोनू कुमार, जो नमसा डिस्ट्रिक्ट एक्सीडेंट हो गया, वो लोग डिब्रूगढ़ जा करके आया था एमसीएल में, तो वहाँ पे अपना मेडिकल कोविड का ड्यूटी करके आया था। उसी समय वापस आते समय गिर गया, तो एक ड्राइवर तो हमारा एक साइयो भाई तो गुजर गया। राज्य के गृह मंत्री बमंग फेलिक्स ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजधानी क्षेत्र ईटानगर में आज से शुरू लॉकडाउन को लोगों से सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही इस महामारी पर प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सकता है। प्रस्तुत है इस पर आधारित एक संदेश। ईटानगर के प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सबको विनती करता हूँ, 1 वीक के लॉकडाउन के दौरान आप लोग अपना घर में बैठे और हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं आप लोग घर से ही सहयोग दें, ताकि हम कोरोना वायरस जो हमारे सोसाइटी में फैलने का जो एक आशंका है उसे हम सब मिलके रोक लगाएं। एक हफ्ता हमारे लिए और आपके लिए जिंदगी बदल सकता है। प्लीज 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 अपने अपने घर पर रहें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सोशल नेटवर्क वेबसाइट फेसबुक के साथ भागीदारी की है। CBSE से संबंधित स्कूलों और शिक्षकों को पहले चरण में इस वर्ष अगस्त से नवंबर तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्रों तथा शिक्षकों को डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन रहने के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 10,000 शिक्षक और 10,000 छात्र शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण इस महीने की 6 तारीख से 20 तारीख तक होगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 10 अगस्त से छात्रों का प्रशिक्षण 6 अगस्त से शुरू होगा। सफल प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने CBSE की इस पहल की सराहना की है। बौद्ध धर्म गुरु और तिब्बत के आध्यात्मिक प्रमुख दलाई लामा के 85वें जन्मदिवस के अवसर पर अनेक राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संस्थाओं ने उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, लद्दाख तथा कई अन्य स्थानों पर अपनी श्रद्धा प्रकट की और परंपरागत सफेद स्कार्फ बैंड किए। इस अवसर पर लेह में कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ बौद्ध श्रद्धालुओं ने अपने आध्यात्मिक प्रमुख के दीर्घायु की कामना की है। लेह
में दलाई लामा के शिविरावास जीव स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के महासचिव राम माधव और सांसद सेरिंग नामग्याल ने भी भाग लिया। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी धर्मगुरु दलाई लामा को शुभकामनाएं दी है। आज बहुत बड़ा शुभ दिन है, परम पावन दलाई लामा जी का आज 85th बर्थडे मनाया जा रहा है और साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जन्मदिन आज है। आज यहाँ हमारे पार्टी की ओर से परम पावन दलाई लामा जी को भी जन्मदिन की शुभाभिनंदन देने का कार्यक्रम है। I wish him all the very best for his good health and pray for his long life on the auspicious occasion of his 85th birthday. आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की प्रगति में उनके अनुकरणीय योगदान को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता को सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके विचारों और आदर्शों से करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा मिली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारत की समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल दिया और जीवन भर इस दिशा में संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान कार्य के समर्थक थे। श्री शाह ने कहा कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता के लिए उनका समर्पण और बलिदान देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज जब हम 119वीं जन्मदिन उनका मना रहे हैं तो हमें यह संतोष है कि धारा 370 को मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी की रणनीति में हम सब लोगों ने धाराशाही कर दिया है और आज हम एक सूत्र में पिरोते हुए भारत को, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, इसको हम साकार कर पा रहे हैं और एक जन एक मन एक संविधान इसको हम साकार कर पा रहे हैं, यह हमारे लिए विशेष सौभाग्य की बात है। सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, आज सोमवार को सावन का पहला दिन है। वैसे भी सावन माह में सोमवार का विशेष महत्व होता है, श्रद्धालु भोली की भक्ति में लीन होते हैं। हालांकि इस बार हालात अलग है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण मंदिर जाकर दर्शन करना इतना आसान नहीं है। यूं तो सावन के पहले सोमवार पर सुबह शिवालयों में चहल पहल है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार कांवड़ यात्रा भी नहीं निकल रही है। ईस्ट सियांग जिले के डांगरिया बाबा मंदिर में आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस साल की तरह इस मंदिर में भीड़ नहीं है और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना के चलते जो है यहाँ लोग जो है बहुत कम आ रहे हैं, 10-20 आदमी जो है मतलब आ रहे हैं, आदमी तो आ नहीं रहे हैं। अब खुद डीसी जो है इसका चेयरमैन है, जो हमेशा जो है मतलब इसका सुरक्षा और व्यवस्था जो है एकदम टाइट किए रखा है, सब डिस्टेंस का दूरी सब बनाया हुआ है सब हिसाब से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक बढ़ाए जाने से राज्य के गरीब वर्ग के परिवारों और कामगारों में खुशी देखी जा रही है। ईस्ट सियांग जिले के लाभार्थियों ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को राशन की चिंता नहीं होगी। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, नवंबर तक राशन हम लोग को फ्री का हम लोग मिल रहा है, हम लोग गरीब लोग को, वो भी बहुत अच्छा है। मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मोदी जी ने हम लोगों को बहुत सहायता किया है, नवंबर तक का चावल ये करके बहुत बहुत धन्यवाद, उन हम गरीबों को बहुत सहायता मिला है। ये कोरोना वायरस का लिए लॉकडाउन हो गया है तो मोदी सरकार हम लोग को दान माने जीवन दान दे दिया ना, हम लोग माने जी रहे, उनका राशन पानी खा के हम लोग जी रहे। हम तो सच बात, हम जब मोदी सरकार राशन पानी चालू किया है माने हम इधर उधर से राशन नहीं लिया है,
वही राशन हम खा रहे हैं। अभी तक भी आप लोग देख सकता है एक टीना चावल है। मोदी सरकार को तो हम जिंदगी भर हम जब तक जीते रहेगा तब तक हम अच्छे देते रहेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।